हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नाइशा किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, बहुत ही इजी तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं और बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। आज हम बनाएंगे कचरी की चटनी। तो चलिए ये इजी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमने ली है कुछ कचरी, 6 से 7 कचरी हमने यहाँ पे ली है। और अब हमें इसका छिलका उतार लेना है और इसे काट लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप कचरी को काटें तो हमेशा आपको एक एक कचरी को टेस्ट करके और फिर आपने काटना है, क्योंकि क्या है, कचरी कई बार कड़वी भी निकल जाती है, जिससे कि आपकी चटनी या सब्जी खराब हो सकती है। तो इसके साथ ही यहाँ पे हमने लिया है नमक, 2 से 3 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे ली है, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। 4 से 5 हमने लाल मिर्च ली है सूखी, उन्हें हमने गर्म पानी में डिप कर दिया है जिससे कि वो नरम पड़ जाए। और हमने लिया है लहसुन अच्छी खासी क्वांटिटी में। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो हमें ले लेना है कोई भी ग्राइंडर जार और उसमें हम डाल देते हैं कचरी जो हमने काट के रखी थी। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे हरी मिर्च जिसे हमने काट के तैयार रखा है। तो देखिए बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है ये हरी मिर्च, अगर आपको तीखापन चाहिए तो आप पतली वाली हरी मिर्च यहाँ पे डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है लहसुन और जो लाल मिर्च हमने गर्म पानी में डिप की हुई थी ये भी अब नरम हो चुकी है, तो इसे भी हम ऐड कर देते हैं। और साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो देखिए कुछ लोग दही डाल के भी बनाते हैं, आप चाहे तो इसमें दही डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाल रही हूँ। दही डालने से आपकी चटनी की शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा दिन तक वो फ्रेश नहीं रहती। तो चलिए अब ग्राइंड कर लेते हैं इसे। तो अगर आप चाहें तो इसे सिलबट्टे पर भी बना सकते हैं, मैं इसे ग्राइंडर में बना रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो आप चाहे तो चटनी को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो हम इसमें अब तड़का लगाएंगे। तो चलिए तड़का लगाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ले लेते हैं एक तड़का पैन या कोई भी आप कढ़ाई ले लीजिए। 2 से 3 बड़े चम्मच घी। तो देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप चटनी को हमेशा घी में ही तड़का लगाइए, उससे एक अलग ही टेस्ट अलग ही फ्लेवर आता है। तो चलिए घी को हल्का सा गर्म कर लेते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। तो 1 चम्मच जीरा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, बहुत ज्यादा काला नहीं करेंगे हम जीरे को, बस हल्का सा ब्राउन करना है हमें। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे हमारी बनाई हुई चटनी। तो आपने कर देना है गैस को बंद और इसमें हम डाल देंगे चटनी को। तो बस अब इसे मिला देंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए हमारी टेस्टी टेस्टी सी कचरी की चटनी बिल्कुल तैयार है। तो जब भी आपका मन करे कुछ अलग खाने का और सब्जी खाने का मन ना करे तो आप इस चटनी को आराम से बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पर बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है और हर किसी के पास सिलबट्टा होता भी नहीं। तो आप इसे इस तरीके से ग्राइंडर जार में आराम से बना सकते हैं और इसे आप आराम से 1 हफ्ते से 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में लगती है बहुत ही स्वादिष्ट। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही टेस्टी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।